I would like to share something about my book, about my work, about the parliament, about the institution of parliament, because the institution of parliament is the most important institution in every country. So, जिसे आप कहते हैं कि पार्लियामेंट की कहानी, unfortunately in Pakistan, parliament not an institution with let's say a strengthened institution, a powerful institution, a sovereign institution, an autonomous institution. Unfortunately, the history of parliament moving on to a very zigzag travel. So, parliament ki kahani jo hai, isko bahut kam logon ne jagah di hai, ahmiyat di hai, ki kisi ko sunai jaye, kisi se share ki jaye. आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये जो पार्लियामेंट है ये एक इतना सॉवरन, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ऑटोनमस और इतना वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन है कि ये जैसे भी लेजिस्लेट करे, जिस तरह की भी लेजिस्लेशन करे, वो सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है. और अगर पार्लियामेंट ये डिसाइड कर ले थ्रू ए लेजिस्लेशन प्रोसेस कि अभी शाम है या अभी रात है, तो सबको मानना पड़ेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कहानी, तो इसमें हमें बिल्कुल एक डाइवर्स किस्म की स्टोरी नज़र आती है, एक हिस्ट्री नज़र आती है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पार्लियामेंट है ये एज ए इंस्टीट्यूशन, इसकी अपनी क्या तारीख है, इसकी अपनी क्या कहानी है. तो ये मैं आपकी सोसाइटी को अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये एक मुझे मौका प्रोवाइड किया, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि पार्लियामेंट क्यों इतनी अहम है, इसकी कहानी हम सबको क्यों सुनना चाहिए और इसको एज ए इंस्टीट्यूशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए. देखें, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, यहाँ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपकी जो सोसाइटी है इधर एक सब्जेक्ट को डील करती है, मेरे उस्ताद बैठे हैं जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं. तो जैसे इंसान का एक इर्तका का आगाज शुरू हुआ और आपको पता है कि उस वक्त नोमैडिक लाइफ थी, एक कबायली ज़िंदगी थी और उसमें कोई एक सेट पैटर्न नहीं था. जो कबायली चीफ होता था, ट्राइबल चीफ होता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देता था कि आप लकड़ियाँ ले आओ, आप पानी ले आओ, आप आग ले आओ, आपने ये जगह करनी है, ये काम करना है, ऐसे करना है. और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई. और जब एक कबायली चीफ से आगे बात बढ़ी तो फिर बिनॉर्स का कंसेप्ट आया, बादशाहत का कंसेप्ट आया. और आपने देखा कि बादशाह ने जब अपने हाथ में एक डंडा पकड़ लिया कि जैसे मैं कहता हूँ ऐसे आपको करना है, तो फिर ये सिलसिला किसी और तरफ चल निकला. और फिर उसके ऊपर एक स्ट्रगल शुरू हुई, वो मैग्ना कार्टा का आपको पता है, वो बिल ऑफ राइट्स का आपको पता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल का आपको पता है. वो सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं. जो मॉडर्न पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हमने पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये हमने वेस्ट मिनिस्टर कॉन्सेप्ट से लिया है. और यहाँ आपको पता है कि एक कलोनियल रूल था, एक ब्रिटिश रूल था, और 1833 का जो चार्टर एक्ट है उससे फिर हम ड्राइव करते हैं इस इंस्टीट्यूशन की एक तरह की हिस्ट्री को, इसके इर्तका को, इसके एवोल्यूशन को. और अगर हम डायरेक्ट आ जाएं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर, तो पाकिस्तान से बड़ी या पाकिस्तान से ज़्यादा उम्र की पाकिस्तान की पार्लियामेंट है. पाकिस्तान 14 अगस्त, और इसने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ 15 अगस्त 1947 से किया, लेकिन पार्लियामेंट का काम का आगाज़ 10 अगस्त 1947 से हो चुका है. यूँ 4-5 दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान से बड़ी है. और ये जो पहले 4 दिन हैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट इस सेंस में कि हमने बहुत सारी चीज़ें तय की. और एफसी कॉलेज में खड़े होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसमें एक तो 11 अगस्त की फाइडियाजम की स्पीच है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसका कई हवालों से हम फिक्र करते आए हैं, सुनते आए हैं, उसको पढ़ते आए हैं, लेकिन ये 11 अगस्त की स्पीच शायद हम तक एज इट इज़ ना पहुँचती अगर उस वक्त कुछ लोग अपना रोल प्ले ना करते. आपको पता है कि उस वक्त एक प्रेस एडवाइस जारी की गई कि 11 अगस्त को जो फाइडियाजम ने स्पीच की है उसको एज इट इज़ पब्लिश ना किया जाए अखबारात में. तो डॉन के जो एडिटर थे अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने कहा कि मैंने जो बात सुनी है कायदे आज़म से बराह रास्त वो और है, जो आप प्रेस एडवाइस है वो और है, तो मैं तो ऐसे नहीं करूँगा.
और फिर वो प्रेस एडवाइस अल्टीमेटली विथड्रॉ कर ली गई, वापस ले ली गई और फिर गाइडलाइन नोटिस की। ये बात हमें कैसे पता चली कि जलील नियाज की किताब है प्रेस इन चेन, उसमें उन्होंने ये बातें मैंशन की नहीं है। कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ उन्होंने रिसर्च की तो उसमें ये बातें मैंशन हैं। इसी तरह जो 12 अगस्त 1947 है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात की हुई कि कायदे आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी जिसको ह्यूमन राइट्स की कमेटी कहते थे और इंसानी हकूक की कमेटी, और कायदे आज़म खुद उस कमेटी के चेयर बने, हेड बने। और ये अक्सर सर हमारे इन्होंने किताब लिखी है कायदे आज़म के हवाले से, सिस्टमैटिक लीडर। कायदे आज़म इंसानी हकूक के हवाले से कितने कंसर्न थे, कितने उनका इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू था, वो समझते थे कि इस कंट्री में अगर चीज़ों को एमिकेबली आगे लेकर चलना है, मूव ऑन करना है, तो फिर इंसानी हकूक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर आप देखेंगे 14 अगस्त जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और फिर उसके बाद की जो बातें हैं। अब पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है ये दो तरह से काम कर रही थी, एक एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली और एक एज ए लेजिस्लेचर, यानी कि वो कानून साजी भी कर रही थी और साथ आइन साजी भी कर रही थी। और उसकी जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी थी वो ज़ाहिर हमारा जो मुल्क था उसके पास अपना आइन नहीं था, हमने अपना आइन तश्कील देना था, और उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनी, उसके लिए मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी, उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर रिएक्शन काउंटर रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 47 से लेकर 56 तक तकरीबन 9 साल का अर्सा हमें अपना पहला आइन बनाने में लगा। तो बहुत सारे रीजंस हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि जी लीडरशिप का मसला था, उसमें जो बेसिक इश्यूज थे लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन के इशू, के ईस्ट विंग को कितनी रिप्रेजेंटेशन देनी है, वेस्ट विंग को कितनी देनी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, प्रेजिडेंशियल होगा, पार्लियामेंट्री होगा, फेडरल होगा, क्या होगा। फिर इसी तरह इस्लाम का या मजहब का क्या रोल होगा हमारे कुछ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिबेट्स अपनी जगह पर। लेकिन एक जो मसला था हमें दरपेश वो एक इंक्रोचमेंट थी, एक मदाखलत थी पार्लियामेंट के काम में। वो मदाखलत जो थी वो विद इन कंट्री भी थी और वो आउटसाइड कंट्री भी थी, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब जो कि मेरी आज की टॉप का टाइटल भी है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ए हिस्ट्री ऑफ अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, उसमें भी ये मैंने रेफरेंस किया है। जब मुझे मौका मिला ब्रिटिश आर्काइव्स को देखने का तो वहाँ पर मैंने एक फाइल देखी जिसमें ये जिक्र था कि जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हायर किया है, डेविड रटन उसका नाम था, वो एक लीगल एक्सपर्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था, हमने उसकी खिदमात हायर की थी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो साहब थे वो उस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, डिबेट्स होती थी, टॉक्स होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी, वो जाकर ब्रिटिश हाई कमिश्नर को देता था, और ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपनी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता था इंफॉर्मेशन, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती थी कि आप अपना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का बनाए और इस तरह का नाम बनाए। ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, ये कोई ऐसी हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है या स्पेकुलेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इस तरह जो बैरूनी मदाफ़त का कॉन्सेप्ट है ये पहले दिन से हमारी सियासी तारीख का हिस्सा बन गया। मसलन वो क्या प्रेशराइज करते थे कि आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, आपने उसमें से नहीं निकलना, आपने अपना आइन इस तरह का बनाना है, आपने अपने जो मामलात हैं गवर्नमेंट अफेयर हैं वो इस तरह के चलाने हैं। तो ये उसी बात में आपसे ये शेयर कर दूँगा जिस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के हमारी जो पार्लियामेंट थी इन टर्म ऑफ कैपेबिलिटी इतनी कमज़ोर नहीं थी। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये जो सियासतदान होते हैं या अंगूठा छाप होते हैं, इलिटरेट होते हैं, ना खानदा होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इनको समझ नहीं होती, हमारी पहली असम्बली में 5 PhD थे। आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में 5 मेम्बर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेम्बर्स थे केवल PhD, उसमें डॉक्टर उमर हयात थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने September 1947 में आफ्टर द सेपरेशन ऑफ या पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इसी तरह वो डॉक्टर जो है शाइस्ता इकरामुल्ला थी, डॉक्टर उमर थे, और इश्तियाक हुसैन कुरैशी थे, और एक और साहब 5 PhD थे।
लीगल एजुकेट या लॉ के एजुकेट वो भी थे, लेकिन मसला ये था कि ये जब हमने एक बंदा हायर किया तो पार्लियामेंट ने अपनी एक कमजोरी भी जाहिर की कि इतनी पढ़ी लिखी पार्लियामेंट के बावजूद हम एक एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं जो हमें डिक्टेट करेगा, हमें गाइड करेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का बनाना है। तो ये इश्यूज थे। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, कायदे आजम की अगर हम यहीं पर बात करते चलें कि उनका जो एज ए पार्लियामेंट्री कैरियर है वो 39 ईयर्स पर मुश्तमिल है। 1910 में वो पहली मरतबा पार्लियामेंट का हिस्सा बने और 1948 तक वो रही। तो 39 ईयर्स उनकी ये जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है। तो हम उनके बहुत सारे आस्पेक्ट्स पर तो काम कर रहे हैं, किया भी है। एज ए लॉयर उनके ऊपर बहुत सारी रिश्ते मिल जाती हैं, एज ए पोलिटिकल लीडर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और उनकी जो लाइफ आस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज ही वॉज मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन उनके ऊपर जितना काम होना चाहिए था, जितने वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, जितने बड़े वो लेजिस्लेचर थे, जितने बड़े वो पार्लियामेंटेरियन थे, उस पर बहुत कम काम हुआ। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर काम किया जाए। एक साथ हमारे स्टूडेंट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। हमारा जो पार्लियामेंट्री सफ़र है वो जब थोड़ा आगे बढ़ा तो आपको पता है कि 58 में माशाल्लाह लग गया और 62 तक यहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई नुमाइंदा इदारा नहीं था। 62 में इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और ये जो पार्लियामेंट वजूद में आती है जिस आइन के तहत आती है वो आइन किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया होता, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनता है और जस्टिस शहाबुद्दीन की क्यादत में, और जस्टिस साहब एक कंडीशन पर, एक शर्त पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी मैं रिपोर्ट रिप्रेजेंट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, प्रेजेंट करूँगा, उसको आप पब्लिश करेंगे, आइदर आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन वो जो रिपोर्ट उन्होंने प्रेजेंट की वो अयूब खान ने मंजूर कादर को दी, उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसके अंदर तब्दीलियाँ की और फिर उसको कहा कि ये वही रिपोर्ट है जो जस्टिस साहब ने दी है। तो जस्टिस साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पब्लिश नहीं हो सकी, पब्लिक नहीं हो सकी, और हमें ये पता ही नहीं चला कि ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट है जो उन्होंने दी या किसी और ने इसको बनाया। बाद में फिर उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी रिकॉन्सिलिएशनरी थॉट्स के नाम से, उसमें भी चीज़ें पब्लिश हुई और फिर हमें पता चला कि ऐसा भी मासी में कुछ हुआ था। और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात आपको बताता चलूँगा, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए, उसमें 12 अगस्त 1947 को जो कायदे आजम ने सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी बनाई थी ह्यूमन राइट्स की और इंसानी हकूक के हवाले से जो उनकी कंसर्न था, 1962 के आइन में इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया अपने आयन से। और बाद में फिर पहली अमेंडमेंट हुई 1962 के आयन में, फिर इसको हमने इंक्लूड किया थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट, लेकिन इनिशियली इसको इंसानी हकूक के चैप्टर को डिलीट कर जो तीसरी और चौथी पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं अयूब खान के दौर में 62 से 65 और 65 से फिर ऑनवर्ड 69 तक, ये दोनों पार्लियामेंट जो थी ये इनडायरेक्ट थी और प्रेजिडेंशियल सिस्टम के तहत चली। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी जो एक पार्लियामानी रवायत के हामिल मुल्क में नहीं होती। मसलन जो लीडर ऑफ द हाउस था वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं था, वो प्रेजिडेंशियल कैबिनेट का तो हिस्सा था लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़े। 70 के इलेक्शन हुए पाकिस्तान में आज़ादी के 23 साल बाद, और ये जो 70 के इलेक्शन थे, आप देखिए जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त असम्बली में दो सियासी जमातें थी, एक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस का वजूद ईस्ट पाकिस्तान में था ओवरऑल बोलिए, लेकिन दो सियासी जमातें थी। 23 साल में हमारी सियासत में 25 सियासी जमातें शामिल हो गई। 1970 के इंतखाबात 25 पार्टीज ने कंटेस्ट किए, जिसमें कुछ पार्टीज कामयाब हो सकी मैनेज करने में और वो असम्बली का हिस्सा बन गई। वो रिजल्ट हम सबके सामने हैं, ईस्ट पाकिस्तान में किसको कामयाबी मिली, वेस्ट पाकिस्तान में किसको कामयाबी मिली, और रिजल्ट्स को किसने एक्सेप्ट किया, किसने रिजेक्ट किया, और फिर उसके रिजल्ट्स में जो सेपरेशन हुई ईस्ट पाकिस्तान की, वो भी एक तारीख का हिस्सा है, वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग मौजूद है।
70 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली जो पार्लियामेंट है उसका पहला इजलास 1972 में जाकर होता है, अप्रैल 1972 में। तो मेरा जो पीएचडी का मकाला थीसिस डिसर्टेशन उसका जो मौजू था वो यही था कि पाकिस्तान की रिसर्च क्वेश्चन यही था कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो इतनी सॉवरन क्यों नहीं है, इतनी इतनी मजबूत क्यों नहीं है। मैंने ये अपने काम का आगाज 2008 में किया था और उस वक्त ये एक भी पार्लियामेंट ऐसी नहीं थी जिसने अपनी लेजिटिमेट टर्म कंप्लीट की हो, पूरी की हो। तो सवाल ये था कि पार्लियामेंट क्यों नहीं अपना वक्त पूरा करती, ये अपना लेजिटिमेट टेन्योर क्यों नहीं पूरा करती। तो साथ इंडिया की एग्जाम्पल थी हमारे साथ, एक अच्छी आज़ादी हासिल की, वहाँ पर मामला और थे और पूरी दुनिया में कुछ और केस स्टडीज थे। तो फिर मैंने इस सवाल का जवाब जब तलाश करने के लिए निकला तो एक इसका हाइपोथेसिस ये था कि हमारे दूसरे इदारे इतने पावरफुल हैं कि वो पार्लियामेंट के काम में मदाखलत करते हैं, इंक्रोच करते हैं, तो वो फिर इसको प्रॉपर वर्किंग नहीं करने देते। तो जब मैंने अपने सुपरवाइजर से शेयर की ये बातें तो उसने कहा कि ये तो फिर इंडिया का भी है हमारे साथ, वहाँ पर भी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका की दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, पूरी दुनिया को कैप्चर तय किए हुए है, कंट्रोल किए हुए है, तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं। तो कहीं विद इन पार्लियामेंट भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से ये इदारा पूरी तरह से वर्किंग नहीं करता। तो जब इस दूसरे हाइपोथेसिस को भी तलाश करने के लिए निकले तो उसमें महसूस हुआ कि विद इन पार्लियामेंट भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया कि 1972 से लेकर 1973 तक, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पार्लियामेंट और द फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इस अरसे में हमारी पार्लियामेंट बहुत सॉवरन है। जो आप पूरी दुनिया के बॉर्डर्स देखते हैं उसमें उसके टॉनमी भी आपको नज़र आएगी, उसमें उसकी सॉवरनिटी भी नज़र आएगी, उसमें उसकी कोहेरेंस भी नज़र आएगी, उसमें उसकी वर्किंग स्ट्रेंथ भी नज़र आएगी। वो कैसे नज़र आएगी, उसने जैसा चाहा वैसा आइन बना दिया, रोल डिटरमिन कर दिए, ये मिलिट्री का रोल है, ये ब्यूरोक्रेसी का रोल है, ये जुडिशरी का रोल है, ये एग्जीक्यूटिव का रोल है, ये प्रेसिडेंट का रोल है, इसकी पूरा उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ कि 73 के बाद ऑनवर्ड जब इसका एग्जीक्यूशन का मरहला आया, इसकी इस आइन के ऊपर अमल दरामद का मरहला आया, तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। पार्लियामेंट एज ए टूल इस्तेमाल होना शुरू हो गई, एक इंस्टीट्यूशन ने अपने मकासद के लिए दूसरे इदारे को इस्तेमाल करके तीसरे इदारे की जो अथॉरिटी थी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी, उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल हो गया पार्लियामेंट के अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव मीन प्राइम मिनिस्टर, इतना पावरफुल हो गया कि उसने पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी की पावर्स ले ली, उसने ब्यूरोक्रेसी की पावर ले ली, उसने खुद पार्लियामेंट की पावर्स भी ले ली। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था कि अगर आपने मुल्क में स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो वो पार्लियामेंट में आएगी बात, और जो जॉइंट सेशन है उसमें आएगी बात, और वो फिर इसको प्रूफ करेगा कि आपने मुल्क में एमरजेंसी जारी रखनी है या इसको विड्रॉ करना है या इसको सस्पेंड करना है। तो पार्लियामेंट ने अपनी ये अथॉरिटी, अपना ये इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दिया, अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझता है तो वो खुद से ही तय कर लेंगे। और इस तरह बहुत सारी बातें, अगर आप भुट्टो के दौर में खुद 72 से लेकर 77 तक देखें तो इस पार्लियामेंट में 7 अमेंडमेंट हो गए, पहली 2 अमेंडमेंट को छोड़ दें, लेकिन जो अगली 5 अमेंडमेंट्स हैं उनमें आपको नजर आएगा कि एक इदारा दूसरे इदारे के मामलात में कैसे मुदाखलत कर रहा है। और फिर 8वीं तरमीम जब आई तो आप देखेंगे वो एक ऐसी पार्लियामेंट ने की जो कि नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्ट होकर आई थी, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें सियासी जमातें एज ए पोलिटिकल पार्टीज नहीं थी, और उसने ऑल टुगेदर इस आइन को रिप्लेस कर दिया। और फिर आगे जो 90s की पॉलिटिक्स है वो हमारे सामने है। और फिर 18th अमेंडमेंट जो हुई 2010 में, 18वीं तरमीम हम जिसे कहते हैं, और उसमें हमने फिर इस आइन को
रिस्टोर करने की कोशिश की, बहाल करने की कोशिश की कि ये जो ओरिजिनल आयन था 73 का उसको किसी न किसी शक्ल में बहाल किया जाए। वो जो दरमियान वाली लिस्ट थी, कंप्लीट लिस्ट, उसको खत्म कर दिया। या फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, और बहुत सारी पावर जो है वो उन्होंने सूबों को मुंतकिल कर दी। और इस तरह वो जो एक्चुअल पार्लियामेंट का था कंसेप्ट, वो उभर कर हमारे सामने आया। और फिर 2002 के बाद हमें कुछ तसलसल नज़र आता है, कंटिन्यूटी नज़र आती है, पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूशन की अपनी लेजिटिमेट टर्म पूरी करता हुआ नज़र आता है ये इदारा। 2002 में 2008 तक चली, 8 से फिर 13 तक चली, और 13 से फिर 18 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी एक भी गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। 2002 में सफरुल्ला जमाली साहब से हमने आगाज़ किया, कुछ अर्से के बाद शुजात साहब आ गए, चौधरी शुजात हुसैन, फिर शौकत अजीज के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। बट पार्लियामेंट रिमेन इंटैक्ट, गवर्नमेंट रिप्लेस्ड। 2008 में यूसुफ रजा गिलानी के साथ हमने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत थोड़े अरसे में हम राजा परवेज अशरफ को ले आए। वजह वो एक अलहदा कहानी है, वजह क्या थी। 2013 में नवाज शरीफ के साथ स्टार्ट किया, लेकिन खाकान अब्बासी को लिया। 2018 में इमरान खान के साथ स्टार्ट किया, लेकिन अभी शहबाज शरीफ। पार्लियामेंट रिमेन इंटैक्ट बट गवर्नमेंट रिप्लेस्ड वन बाय वन। तो ये इश्यूज हैं, और इसमें पार्लियामेंट के हवाले से कहने को बहुत सारी बातें हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि जब आप कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। और कहने को काफ़ी चीज़ें हैं पार्लियामेंट के हवाले। मेरा ख्याल है कि मैं बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और वो जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें मुझे बात। थैंक यू वेरी मच। इसका जवाब इस तरह भी है कि जब आप एक प्रोसेस चलता है, कंटिन्यूटी आती है, अच्छा बुरा जब एक पटरी पर चल पड़ता है, चलना शुरू हो जाता है, तो फिर उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अभी इस सेंस में तो बेहतरी है कि पार्लियामेंट रिमेन इंटैक्ट, लेकिन गवर्नमेंट्स की चेंज आपको। अब ये है कि आवाम अगर पोलिटिकली लिटरेट हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, खुद एनालाइज करें, खुद देखें
और फिर वोट करें। हमारा जो वोटिंग टर्न आउट है ये आप 40% रहता है थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अभी आपके सामने परसों टर्की में इलेक्शन हुए हैं, मोर देन 85% टर्न आउट है, ठीक है। हमारे मुल्क में कभी भी 40% से ऊपर, तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो तो वोट ही कास्ट नहीं करता, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस ये करें, ऐसी गवर्नमेंट्स हो, बाकी अदारे हो। तो ये है कि हमें वोट का हक दिए नहीं जाता। आप देखेंगे 2002 के इलेक्शन में जब MMA एक सूबे में हुकूमत बनाती है तो सूबे के एक बड़े हिस्से में खवातीन को वोट पर राइट नहीं दिया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल वो पार्टीज जो अपने आप को लिबरल प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस्ट समझती हैं, उन्होंने भी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से एग्री किया कि हमें खवातीन को घर में रखना चाहिए, इनको वोट नहीं देना चाहिए, वोट कराइट नहीं देना चाहिए। तो ये वो इशूज़ हैं जिसको मैं पोलिटिकल अवेयरनेस कहता हूँ। जब ये थोड़ी सी मेच्योर होंगी चीज़ें, स्ट्रेंथन होंगी, तो जाहिर है कि तब्दीली आना शुरू होगी। और हमें ब्लैबरेंट आस्पेक्ट भी देखना चाहिए। 75 ईयर्स की हिस्ट्री में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, यूरोप आप देखें 350 सदियाँ लगी हैं, लेकिन हमने इस मुख्तसर सी हिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और जाहिर ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इरतका का अमल है, उसी तरह एक्सपेरिमेंट से फिर आगे बढ़ते हैं और हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी। वहाँ पर 1215 में ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ और फिर उनको एक वक्त लगा। हमारे अभी आप देखें गवर्नमेंट चेंज हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेट प्रोसेस के तहत हुई, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थ्रू मूव ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट चेंज हुई, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी पोलिटिकल पार्टीज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है उस तरह की कि हम इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी अब्जॉर्व कर सकें। इससे पहले किसी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट वे में चेंज नहीं किया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हमने एक गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू चेंज किया। लेकिन आप उसके ऊपर देखें जो रिएक्शन आया पोलिटिकल पार्टीज का, कि और फिर उसके ऊपर जो यू टर्न्स लिए गए, जो उसके ऊपर एक ओपिनियन डेवलप हुई, उसको आप एक इमेच्योर डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन अगेन वही जो मैंने उनके सवाल के जवाब में कहा कि हम लर्निंग के प्रोसेस में हैं। हमारी जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इवन आप देखेंगे हमारी मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इतनी कमज़ोर हैं कि सियासी जमातों के अंदर खुद डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। उसमें हायरार्की है, उसमें हेरेडिटरी है, उसमें मौसीत है, उसमें वो जो पार्टी लीडर के करीब होता है उसको आगे जगह मिल जाती है। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज ही तय कर लें बैठ कर कि हमने अपने पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को आगे लेकर आना है, तो फिर कंट्री के अंदर जाएगी। लेकिन अगेन ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इसको आप मुवाजना उस तरह तो नहीं कर सकते जो एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, लेकिन आप कर सकते हैं रीजन के अंदर, और उसमें रेगुलेशन है। मैं ये समझता हूँ इन द सेंस के हमारे इदारे जो हैं वो उस तरह सीख नहीं रहे जिस तरह के हमें सीखना चाहिए था। रीजन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, बांग्लादेश की एग्जाम्पल हमारे सामने है, इंडिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है, इवन अफगानिस्तान की एग्जाम्पल हमारे सामने है। अफगानिस्तान के अंदर अभी तो चले जो भी सेटअप है, लेकिन माजी में वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इवन के ट्राइबल गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये एक तरह से हम सब के लिए लर्निंग प्रोसेस है और उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इम्प्रूव हो। सर, ये आपने जिक्र किया है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हमने असम्बली के लिए लिया था, किसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट फर्स्ट जी जी, तो इसके बारे में एक तो आप इसका नाम रिकॉल करते हैं
दूसरा ये कि ये हमारी चॉइस थी या शर्त थी? जी देखिए, इसका नाम तो डेविड डटन है, DARTON, डटन, और ये मैंने अपनी किताब में भी इसका मेंशन किया हुआ है। ये एक लीगल एक्सपर्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था, और इसने ये हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमने अपनी कैपेबिलिटी खुद शो की, हम इस काबिल नहीं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो हिस्सों में मुल्क वजूद में आए, तो दोनों मुल्कों की असम्बली की डिबेट्स प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, आप खुद पढ़कर देखिएगा। 47 10 अगस्त 11 12 13 14 अनवर्ड पाकिस्तान की, और उसी तरफ इंडिया की। इंडिया के अंदर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, हालांकि ये तारीख का बहुत बड़ा इवेंट था, हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, लेकिन उनकी जो असम्बली की